So question number 5, they told you Sanjay is getting a monthly income and as well as there is an increment in his salary also per year. So what we will do here, we will just write it down, let the Sanjay's monthly income be X and his increment in salary be Y. हर एक साल जो इंक्रीमेंट होता है उसका सैलरी में उसको वाई पकड़ते हैं, बाद में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज बीन गिवन टू यू ऑल इन फर्स्ट कंडीशन वी जस्ट रीड इट आउट. आफ्टर 4 इयर्स हिज मंथली सैलरी वॉज 4,500. सो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, 4 साल के बाद उसका इनकम हो गया 4,500. तो पहला आएगा उसका मंथली सैलरी, मंथली सैलरी कितना एक्स तो उसको मिल ही रहा है. 4 साल के बाद मीन्स हर एक साल में उसका इंक्रीमेंट होते रहता है ना बाय रुपीज वाई. तो 4 साल के बाद कितना होएगा 4 × y. हिज मंथली इंक्रीमेंट आफ्टर 4 इयर्स विल बी 4 × y. बोथ वी आर टेकिंग टूगेदर वी गॉट the value as 4,500. So let that be my equation number 1. It is like this way. ये हो गया fixed salary हर महीने का plus 4 साल के बाद जो increment हो गया 4 × y. Now according to second condition, according to second condition, what will be given to you? कि after 10 years his monthly income will become 5,400. तो x तो उसको मंथली सैलरी तो मिल ही रहा है प्लस 10 साल के बाद उसका इंक्रीमेंट कितना होगा 10 × y इज इक्वल टू 5,400. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, करेक्ट. लेट दैट बी माई इक्वेशन नंबर 2 ईयर. सो वॉट विल डू ईयर विल नाउ सब्ट्रैक्ट क्योंकि x के साथ प्लस साइन है फर्स्ट इक्वेशन में, इन सेकेंड इक्वेशन में भी x के साथ प्लस साइन है. सो वी व्हाट वी डू हियर व्हेन वी सब्ट्रैक्ट x माइनस x इज गेटिंग कैंसल्ड. सो राइट इट डाउन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम 2 लिखा हम लोग ने तो सेकेंड वाला इक्वेशन ऊपर आएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 5,400 माइनस x प्लस 4y इज इक्वल टू 4,500. तो जैसे माइनस का साइन आता है सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस x विल बिकम माइनस x, प्लस 4y विल बिकम माइनस 4y, प्लस विल बिकम यर ऑल्सो माइनस. सो एक्स माइनस एक्स इज कैंसल, 10y − 4y = 6y इज इक्वल टू 5,400 − 4,500 = 900, करेक्ट. देयरफॉर वाई का वैल्यू विल बी 900 / 6. सो यू नो दैट 15 × 6 = 90 एंड वन मोर जीरो. सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वाई एज 150. So here, what we can do, we can put the y value as 150 in equation number 1. That we can put it here. So I'm going to write, put y is equal to 150 in equation number 1. सो इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास x प्लस 4y इज इक्वल टू 4,500. देयरफॉर x प्लस 4 y के जगह पे आएगा 150, ब्रैकेट में डालते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 4,500. सो देयरफॉर x प्लस नाउ 4 × 150 इज हाउ मच, इट इज 600 इज इक्वल टू 4,500. देयरफॉर एक्स वैल्यू विल बी व्हाट, प्लस 600 राइट हैंड साइड में जाते ही माइनस हो जाते हैं, तो 4,500 - 600
देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3900. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 3900. सो व्हाट इज एक्स हियर? एक्स क्या था? संजय का मंथली इनकम. तो हम लोग लिखेंगे फाइनल आंसर, संजय मंथली इनकम, संजय मंथली इनकम वॉज रूपीज 3900 एंड इंक्रीमेंट इन सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट इज रूपीज वाई वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई वी गॉट हियर? 150. सो दिस इज द वैल्यू वी गॉट ऑफ एक्स एंड वाई. And you have to write down the final answer like this way. Then question number 6, they are given to you all. Price of 3 chairs and 2 tables is 4500 rupees. So if price of 1 chair ka kimat humare paas nahi hai, usko hum log kya pakadenge? Let the price of 1 chair be x rupees and let the price of 1 table be y. So according to first condition, according to first condition, what they given to you in the first condition was that the price of 3 chairs and 2 tables, so it will be 3 chairs ka matlab hota hai 3x, 2 table ka matlab hota hai 2 into y is equal to 4500. Ye ho gaya hamara equation number 1 here. So like this way we are getting this equation number 1. Now according to second condition, so what I told you in second condition is that the price of 5 chairs and 3 tables is 7000. 5 chairs ka matlab 5 into x plus 3 table ka matlab 3 into y is 7000. And this one will be your equation number 2 here. So 5x plus 3y is equal to 7000. Now what we will do? हम लोग इधर y y का coefficient को हम लोग equal करेंगे. तो फिर second equation आप देखो y के साथ क्या number है? 3 number है coefficient. तो multiply by 3 first equation को. और first equation में y के साथ क्या number है? 2 number है. तो 2 नंबर को सेकेंड इक्वेशन के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. सो राइट इट डाउन, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2. करेक्ट, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग ने 3 से मल्टीप्लाई किए एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किए. इट इज लाइक दिस वे. सो मल्टीप्लाई हियर, सो 3 इंटू 3 विल बी 9x प्लस 3 इंटू 2 इज 6y इज इक्वल टू 4500 इंटू 3 इज 0053 इज 15, 43 इज 12 प्लस 1 इज 13, 13500. दैट वन विल बी योर इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 तीनों टर्म को मल्टीप्लाई होता है. तो 5 इंटू 2 विल बी 10x प्लस 3 इंटू 2 विल बी 6y 7 × 2 = 14000 एंड दैट वन विल बी योर इक्वेशन नंबर 4 हियर. सो इफ यू सी केयरफुली प्लस 6y प्लस 6y इज देयर, दोनों का साइन सेम है. करेक्ट, सो इफ यू सी हियर प्लस 6y प्लस 6y इज देयर, सो बोथ द हैविंग द सेम साइन. सो व्हेन बोथ आर हैविंग द सेम साइन, व्हाट वी विल डू? वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट इट आउट. सो राइट हियर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, लाइक दिस वी विल राइट इट डाउन. Subtracting equation number
3 from equation number 4. Form 4, तो fourth वाला equation ऊपर आएगा, 10x plus 6y is equal to 14,000 minus 9x plus 6y is equal to 13,500. So minus sign is there, नीचे का सबका sign change हो जाएगा, plus 9x will become minus 9x, plus 6 will become minus 6y, plus 13,500 will become minus here. So 10x minus 9x is 1x, 6 minus 6y is cancel, 14,000 में से 13,500 गया तो 500 रुपया बचता है. तो फिर you got the value of x as 500, you can put x is equal to 500 in equation number 1. So right here, put x is equal to 500 in equation number 1. So what was our equation number 1? 3x plus 2y is equal to 4,500. That one was our equation number 1. So we'll put on the value of x here. Therefore, 3 multiply by x ka value kitna aata 500, hum log likhenge 500 plus 2y is equal to 4500, 3 5s are 15, to fir 1500 plus 2y is 4500, therefore plus 1500 right equal to ka right hand side mein jata hai minus ho jata hai, 2y is equal to 4500 minus 1500, it is equal to 3000. तो फिर y का वैल्यू कितना आएगा, y is equal to 2 multiply by y है तो equal to का राइट हैंड साइड में जाती है वो डिवाइड हो जाता है, तो 3000 divided by 2 it is equal to 1500. So the price of one chair is rupees 500 and price of one table is rupees 1500. They are told you to find out the price of two chair and two table. So I have written it here. The price of two chair and two table is rupees. So, एक चेयर का कीमत है 500, तो दो चेयर का कीमत कितना हो गया, 2 into 500, it is rupees 1000, and अभी एक टेबल का कीमत है 1500, तो दो टेबल का कितना हो गया, 3000. So, this is the final answer. The price of two chair and two table is 1000 and rupees 3000.